तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरीके से शुरुआत है और ये हमारी बिकॉज इसको पेन्स आ रहे हैं 15 मिनट्स में, एंड हमने डॉक्टर से भी पूछा है तो डॉक्टर ने बोल दिया एडमिट होने के लिए। और इस छोटे बच्चे की देखो छोटी सी बूथी बन गई है। कोई बात नहीं, डरते थोड़ा ना, मैं तो हूँ ही वहाँ पे एज फार एज आई कैन बी। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में रेडी होके, एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। आप लोग बने रहिए व्लॉग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अब व्लॉग कर रही हूँ। आई एम बिट नर्वस, मैंने थोड़ा सा कंसीलर वगैरह लगाया बिकॉज मेरे को व्लॉगिंग करनी है। सो हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए विद माय थोड़ा थोड़ा लेबर पेन्स। तो चलिए, इट्स द टाइम, लेट्स गो। एंड आई एम स्केयर्ड, ये मैं सोचना कि मैं बहुत ही हिम्मत वाली हूँ, मैं इसका का दिमाग खा चुकी हूँ। एंड प्लीज प्रे फॉर अस। जब प्रे फॉर अस जैसे व्लॉग आएगा तब तक यू विल हैव द बेबी विद यू। चलिए, इतना डर मुझे कभी नहीं लगा। हम जा रहे हैं पापा की गाड़ी में, मुझे थोड़ी बेटर लगती है, ऊँची लगती है, तो उसमें से निकलना आसान है। तो गाइज, पता नहीं मैं कितनी देर व्लॉगिंग कर पाऊँगी, उसके बाद तो यही सारा दामोदर क्या होता है अपने कंधों पे संभालेगा। यहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया गया था और मैं यहाँ पे मुझे इम्पॉर्टेंट जो भी आईवीज चढ़ती हैं वो डॉक्टर ने जो उनको सिस्टर्स वगैरह को बताई थी वो हो रहा था। अभी इसको रूम में शिफ्ट कर दिया है एंड अब ये सब तामझाम लगने वाला है उसे। अभी दवाई पेन वाली खा चुकी है तो हो सकता है थोड़ी देर में पेन स्टार्ट हो जाए। क्या हो रहा है, अभी से आ गए क्या पेंस? अभी 10 मिनट हुए हैं हॉस्पिटल आया हुआ तुझे, अभी देखो कपड़े देख लो इसके। तो वैसे भी नहीं आने दे, मेकअप किया हुआ है ना, लग रहा है। और नीचे कपड़े देख। और हमारे साथ ये भी है। चलो कोई नहीं है। सो गाइस, पेन्स आ रहे हैं 15 मिनट में वही, लेकिन थोड़े ज़्यादा हैं। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मुझसे तो, दिस इज स्टार्टिंग, तो फिर पता नहीं। गाइस, इसका तो होता रहेगा, हमें लग रही है भूख। मेन्यू लेके बैठे हैं, से हम कुछ मंगवा रहे हैं। कैफे का नाम है ओए होए। किसी लेफ्टी इंसान के लेफ्ट में ड्रिप ना लगे, वो कुछ खा भी नहीं पाएगा। तो अभी डॉक्टर ने अलाउ कर दिया तो शी कैन ईट, तो मैं इसको खिला रहा हूँ। कैसा है ये सैंडविच? बहुत मस्त ना, आज तो मस्त लगेगा सब कुछ। स्टार्टिंग है कि एंड है, पता नहीं, एंड तो नहीं है। बड़ी बहुत खतरनाक चीज़ है, खतरनाक। मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी सोच से भी परे, बहुत दर्द होता है। ये किसी की भी सोच से परे है भाई, इसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता, सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके साथ ये हो रहा है, मतलब वही लड़की कर सकती है बस। गाइस, फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मेरा सी सेक्शन होगा, क्योंकि बेबी के गले में एक कॉर्ड थी और सेकेंडली उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट जा रही थी, जिससे वो स्ट्रेस में आकर अंदर पॉटी कर सकता था। तो इस वजह से फाइनली सी सेक्शन के लिए मुझे ले जाया गया था। एंड हनी वाज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज हमने कभी भी एक मतलब उसने मुझे सिचुएशन में कभी नहीं देखा, तो उसको बहुत अजीब लग रहा था।
अभी की सिचुएशन ऐसी है कि विशाली को ओटी में लेके चले गए एंड मेरी हालत क्या है मैं बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है विशाली को। तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ ओके है, 1 घंटे में होने वाला है। मतलब वो कह रहे हैं 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है विशाली को। तो मतलब मेरे को सही होगा, ठीक है क्या कर सकते हैं, जैसा बोला है डॉक्टर ने हमें करना ही पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट, आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। मैं इतना अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता कभी डराऊंगा विशाली के लिए, आई स्वेयर। मतलब ठीक है बच्चे की खुशी अपनी है, लेकिन आई लव यू बेबी, आई स्वेयर। मेरे को बहुत ज़्यादा, मैंने कभी भी खुद को ऐसे महसूस नहीं किया इतना लाचार। एनीवेज स्पॉट जब डॉक्टर ने हमें बुलाया, आप सोच भी नहीं सकते हो मैं कितना रोया हूँ। मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी आज तक नहीं हुई लाइफ में। विशाली बिल्कुल ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में रिवील करता हूँ कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अभी आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ। मैंने कोशिश करी थी कि मैं ब्लॉग कर पाऊँ बट मैं नहीं कर पाया। Thank you.